ओके सो व्हाट्सएप, वेलकम बैक टू डेवी जी। दोस्तों आज के इस वर्ल्ड में बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने ग्रो अकाउंट को कैसे रीएक्टिवेट कर पाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आपने अपने ग्रो अकाउंट को बहुत टाइम से यूज नहीं करा हुआ है, 1 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है, तो ऐसे में आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाता है या फिर आप बोल लीजिए कि डीएक्टिवेट हो जाता है। ऐसे में जब आप उसे दोबारा से एक्टिवेट करना चाहते हैं या फिर दोबारा से उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपसे बोलता है कि आप केवाईसी करिए और दोबारा से जो है अपने अकाउंट को एक्टिवेट करिए। तो इस वाले प्रोसेस में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग समझ नहीं पाते कि हमको करना क्या है। तो आज के इस वाले वीडियो में आपको बताने वाले कि आप लोग दोबारा से अपने ग्रो अकाउंट को कैसे रीएक्टिवेट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वाले वीडियो को हम शुरू करते हैं छोटे छोटे बात, लेकिन इस वाले वीडियो से अगर आपका काम हो जाता है तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि यार बहुत ही ज्यादा एफर्ट के साथ वीडियो बनाते हैं और काफी सारे लोग जो लाइक्स नहीं करते हैं, तो यार प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। ओके तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं फोन की स्क्रीन पर, और चलिए अब आपको बताते हैं कैसे आपको ग्रो अकाउंट रीएक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको ग्रो एप्लीकेशन अपना ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद आपको सामने में ये ऑप्शन मिल जाता है अभी फ़िलहाल में अकाउंट एक्सपायर्ड का, और इस तरीके से ऑप्शन मिलता है। तो आपको यहाँ पर जो रीएक्टिवेट वाला ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर केवाईसी करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या आ रहा है और यहाँ पर मतलब अकाउंट एक्सपायर क्यों होता है। तो यहाँ पर देखिए, योर अकाउंट हैज़ बीन इनएक्टिव फॉर ओवर अ ईयर, रेफ्रेश योर केवाईसी टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग। यानी कि यहाँ पर मैंने इस वाले अकाउंट से 1 साल में कुछ भी नहीं करा हुआ है, 1 साल के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, नहीं पैसे ऐड करे, नहीं कुछ खरीदारी की है, नहीं कुछ सेल किया है। तो यहाँ पर ये जो मेरा अकाउंट है ये 100% इनएक्टिव कर दिया गया है। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए दोबारा से वो कुछ नहीं, यहाँ रीएक्टिवेट का जो बटन दिख रहा है इसी पर हमको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे गाइस, अब आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है यानी कि जो आपका एड्रेस है आपको वो दिख रहा होगा यहाँ पर, वो यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए मॉडिफाई एड्रेस विथ प्रूफ, अगर आपको एड्रेस चेंज करना है कि आपका आधार पर एड्रेस चेंज हुआ, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आई बटन पर, और यहाँ पर आप देखिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप यहाँ पर जो है अपने एड्रेस को चेंज कर पाएंगे। बट अभी मुझे एड्रेस चेंज नहीं करना है। साथ ही में अगर आप अपना डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं, जैसे पेमेंट वाला, इनकम वाला, मान लीजिए कि पहले आप स्टूडेंट से जब आप अपने अकाउंट बनाया था बट अभी आप सैलरीड हो गए हो, तो आप यहाँ पर बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ स्टूडेंट वाले जगह यहाँ पर आप जो भी काम करते हो वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना हो। और यहाँ पर मान लीजिए आपकी शादी हो गई, तो आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में भी सारी चीज़ें जो है अपडेट कर देनी है। या तो फिर अगर आपका 1 साल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर कुछ भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आपको जो नीचे कन्फर्म वाला बटन है यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो केवाईसी रेफरेंस है वो इन प्रोसेस है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं योर अपडेटेड डिटेल्स आर बीइंग रिव्यूड। तो हमने अभी अभी जो डिटेल अपलोड किया है वो उसको ये रिव्यू करेंगे, और यहाँ पर कुछ टाइम के अंदर ये जो हमारा अकाउंट है वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ये चीज़ यहाँ से हट जाएगा कि आपका मतलब अकाउंट एक्टिव होगा, ये हट जाएगा, और ये जो आपको ये दिख रहा है सारी चीज़ें ये यहाँ पर आपको स्टॉक्स जो है ये आप अवेलेबल हो जाएंगे इसको परचेस करने के लिए। यहाँ पर आप देखिए, और यहाँ पर ये वाला जो नीचे ऑप्शन आ रहा है ना ये आपके यहाँ से हट जाएगा। अभी आप इसको परचेस नहीं कर पाएंगे बट बाद में आप इसको परचेस कर पाएंगे जैसे ही आपका जो अकाउंट है ये यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा से ओपन करता हूँ, शायद यहाँ पर रिफ्रेश होने के बाद ये अपडेट हो जाए। तो यहाँ पर शायद ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, बाकी आपको कुछ इस तरीके से जो है आपका अपने ग्रो अकाउंट को जो है दोबारा से एक्टिवेट करना है। बाकी आपको यहाँ पर मैं यहाँ मेनू पर क्लिक करके दिखा दूँ, आपको कहीं पर भी कुछ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपकी एकदम सेट हैं। आपको बस यहाँ पर वेट करना है और आपका यहाँ पर जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली प्रोग्रेस हो जाएगा, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यार उम्मीद करते हैं कि आपको मैंने कंप्लीट जानकारी दी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, सिंपल सा बस आपको वही अपनी चीज़ें अपडेट करनी थी, दोबारा से सबमिट कर देनी थी, और यहाँ पर जो आपका इनएक्टिव अकाउंट था वो एक्टिवेट हो जाता है। तो यार उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आया है, आज की इस वाली वीडियो को हमें एंड करते हैं। आप जिस भी टॉपिक में वीडियो चाहते हो मेरे को कमेंट करिए, जिस भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है मेरे को कमेंट करिए, आपको वीडियो जरूर मिलेगी। तो आज की इस वाले वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जैन थैंक यू।